कॉम आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट स्पेशल इलेक्शन 2024। इस वक्त हम आपको रावलपिंडी लेके आए हैं और हमारा स्पॉटलाइट जो होगी वो होगी NA56 के ऊपर, चूँकि ये बहुत ही दिलचस्प हलका है। यहाँ पे जो दो बड़े सियासी जायंट्स हैं वो आपस में लड़ेंगे, शेख रशीद वर्सेस हनीफ अब्बासी। और नाजरीन, यहाँ पे दिलचस्प बात ये है कि 2018 में हनीफ अब्बासी साहब सलाखों के पीछे थे और शेख रशीद साहब जो थे वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, मगर 2024 के अंदर शेख रशीद साहब इस वक्त हिरासत में हैं और हनीफ अब्बासी साहब कैंपेन कर रहे हैं। शेख रशीद साहब की जो कैंपेन है वो उनके भतीजे जो हैं शेख राशिद शफीक वो करें, वो हमने आपको कल दिखा दी NA57 से, मगर आज का हमारा फोकस होगा NA56। चूँकि यहाँ पे क्योंकि शेख रशीद साहब जेल में हैं, एक सिंपथी फैक्टर भी है PTI के लिए भी और शेख रशीद साहब के लिए भी। हम आपको PTI के नुमाइंदों से भी मिलवाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से भी मिलवाएंगे, मगर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की आवाम से। यहाँ की जो वोटर्स हैं वो तकरीबन 36 लाख के करीब हैं और 7 सीटें हैं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की, 36 लाख वोटर्स हैं और NA56 जो है बिलखसूस उसके हैं 5,23,000 जो है वो वोटर्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से जो 49% है वो ख़वातीन हैं और 91% जो है वो मर्द हैं। तो आइए बात करते हैं रावलपिंडी वालों से और पूछते हैं कि उनके दिल में कौन बसता है। इस वक्त हम रावलपिंडी के कमर्शियल एरिया मार्केट में मौजूद हैं और आप समझ लें यहाँ पे सारे लोग अपनी शॉपिंग करने आते हैं, तो उनकी नब्स है रावलपिंडी के ऊपर और वो बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्यों मेरे भाई, आप नान लेने आए हैं सुबह गरम गरम, क्या घर में रोटी नहीं पक रही? मैडम गैस है नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल गैस नहीं है, बच्चों को ऐसी तरह स्कूल भेज रहे हैं। सुना है यहाँ पे पानी का बड़ा मसला है? पानी का भी किसी टाइम मसला हो जाता है। तो मुझे बताएं आप वोट किसको डाल रहे हैं? नवाज शरीफ को। वो क्यों? वो क्यों? खड़ा हुआ है तो डाल रहे हैं किस लिए? यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ पक रही हैं और आप भी गरम रोटी लेने आए हैं, घर पे गैस नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बिल आता है बकायदगी से, गैस नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि आप वोट किसको डाल रहे हैं? इमरान खान को। अच्छा तो यहाँ पे एक भाई चल के गए, उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ साहब को डालूंगा क्योंकि मुझे तरक्की चाहिए, पहले कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। वो असल में वो पटवारी तो पक्के वो उसी के, लेकिन वो काम शम की क्या है, इमरान खान ने कोई वो काम तो नहीं किया। सेहत कार्ड इन्होंने ख़त्म किया, मेरी बेगम की डिलीवरी थी तो उसमें कोई पैसे नहीं मेरे से लिए, 20,000 रुपये चार्ज करने थे उन्होंने, तो वो क्या नाम है, मैंने कहा कि यार मैं इंस्टॉल करता हूँ, मेरा इतना सिस्टम नहीं कहता कि आप आईडी दें, आईडी लिया उन्होंने, वो सेहत कार्ड पर मुझे 20,000 रुपये में फ्री वो क्लियर करके दिया उन्होंने। तो इमरान खान को ही डालेंगे? इधर से शेख रशीद भी है, इमरान खान साहब भी है, PMLN भी है। नहीं ये सिर्फ यहाँ पे जो है शेख रशीद और ये इमरान खान ही है बस। नहीं हनीफ अब्बासी साहब भी तो नहीं, वो है तो हमारे लिए तो है ही नहीं है वो। अच्छा तो आप फिर खान जब भी आते हैं ना, जब भी यहाँ पे ये मुस्लिम लीग वाले आते हैं, जो ये पता है कि हम नॉर्मल लोग हैं, मीडियम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, स्टॉल वगैरह लगाते हैं दुकानों के बाहर थोड़े थोड़े स्टॉल, वो भी बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, महीना महीना दो दो महीना बिल्कुल लगाने नहीं देते, तो हम किधर से खाएं क्या करें। तो ये मेरा जो भाई है ये सबसे पहली दफ़ा जो है ये वोट डाल रहा है इलेक्शंस के अंदर, ये बताइए कि पहली दफ़ा वोट डालेंगे और पहला वोट आपकी ज़िंदगी का किसको जाएगा? इमरान खान को। वो क्यों? उसने सेहत कार्ड बनाया है और किसी के आगे झुका नहीं है, सबके आगे उस खड़ा हुआ है, सर उठा के खड़ा हुआ है, और उसके दौर में गैस का बिल इतना ज़्यादा नहीं आता था, अब 14,000 रुपया गैस का बिल आया, 32,000 रुपया मैं कमाता हूँ, गैस आती नहीं है, गैस का बिल इतना इतना आ जाता है। और मुझे ये बताइए कि जब तो शेख रशीद साहब भी है ना, उनको नहीं डालेंगे? नहीं नहीं, नहीं हम इमरान खान को। इस नान शॉप के ऊपर हमारे साथ PTI के भी वोटर हैं, PMLN के भी वोटर हैं, आप किसको वोट डालते हैं? मैं ऑब्वियसली नून लीग को वोट डालूंगा, चूँकि ऑब्वियसली क्यों?
क्योंकि इमरान खान ने कोई ऐसी पिछले 4-5 साल के अंदर जो उसने उसका टेन्योर रहा है उसने कोई ऐसा कोई काम किया नहीं है कि उनकी उनकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी हो जिसकी बेसिस पर उनको वोट दिए जाए। इमरान खान ने इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर हिला कर रख दिया, एस्टेब्लिशमेंट में और पब्लिक में एक डिवीजन जनरेट की है जिसकी वजह से आप यूँ कह सकते हैं कि इस मुल्क की बुनियादें हिल गई हैं। अच्छा। तो उसके बाद हम ये नहीं कभी भी नहीं कर सकते कि एक ऐसे संकी आदमी को लेकर आएँ जो दोबारा से इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब करे, महंगाई की एक लहर आई, आप इंटरनेशनल कर्जों में चले गए और वो सब उसकी बेवकूफ़ियों की वजह थी। तो अब महंगाई तो आलमी महंगाई थी ना, उसके बाद जो महंगाई हुई है उसका उसका रद्द अमल किस पे जाता है? इमरान वो तो इन पार्टियों पे ही जाता है ना, नॉन लीग पे जाता है या पीपल्स पार्टी पे जो मुश्तरका पार्टियां थी। ये तो दरअसल में क्यों हुई है इसका, अरे अगर आप जिस भी पीटीआई के वर्कर से पूछें वो यही कहेगा कि ये बाद में महंगाई जो है, ये बाद में जो महंगाई है ये इसकी वजह, ये जो गवर्नमेंट आई थी ये नहीं थी, अगर ये ना आते तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, आपके डॉलर्स के रेट 1000 के राउंड अबाउट पहुँच जाते। उस टाइम ये महंगाई नहीं थी ना, जिस टाइम इमरान खान साहब थे उस टाइम तक महंगाई नहीं थी, उस टाइम हमारा पेट्रोल 150 पे था। इनकी आगे हुकूमत चेंज हुई है, पेट्रोल हमारा 300 तक 320 को टच किया। हुसैन साहब ने खुद अपनी एक तकरीर में कहा था जब ये अभी वो गवर्नमेंट उनकी बर्खास्त हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये तो पेट्रोल अभी 300 तक जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह 300 से वो नीचे ही आ गए। ये खान साहब लेके नहीं गए, इमरान खान साहब पहले पता था कि ऐसा ही होना है, उनको पहले से पता था 150 पे स्टक था उनका पेट्रोल। अच्छा ये बताएं इमरान खान साहब तो जेल में है तो फिर वजीर आजम तो वो नहीं बन सकेंगे, वो तो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, और वो ही सिलेक्ट करेंगे जो जिन जिसको वो सिलेक्ट करेंगे हम वो आपको मंजूर होगा जी बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब के बारे में भी ऐसी बात आ रही है कि हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हो नवाज शरीफ ना हो, आपका भरोसा किस पे? ऑब्वियसली नवाज शरीफ के अलावा नून लीग की जो जमात है इसको चला कोई नहीं सकता। अच्छा। जो यूँ कह सकते हैं कि जो वर्कर है वो नवाज शरीफ का वर्कर है, शहबाज शरीफ का वर्कर नहीं है। अगर नवाज शरीफ खुद ये चाहें कि वो वज़ीर आज़म बन कर कहीं रिज़ाइन करना चाहें, अपने छोटे भाई को लेकर आएँ तो मुमकिन है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि शहबाज शरीफ इतनी बड़ी जमात को चला लें या उनके साथ लोग उनके साथ जुड़ जाएं। पहली दफ़ा वोट डालेंगे कि नहीं? मैंने पहले भी वोट दिया था, हम बेस नवाज शरीफ को वोट दिया था। अच्छा। लेकिन 2018 में मैंने नवाज शरीफ को वोट दिया था, लेकिन इस दफ़ा किसी को भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी जब टाइम आया था तो बाहर चले गए थे, और अब इमरान खान साहब है उन पे भी आपको पता है केस चल रहा है उन पे भी, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर जब वो वज़ीर आज़म से हटा और उसके ऊपर केस ना हुआ चोरी का, सब एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सब चोर हैं? हाँ सब चोर है। जब सबके साथ ज्यादती हुई है? नहीं किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई, इन्होंने किया है तो हर बंदे किसी भी आम बंदे को जेल में नहीं डाल सकते। मैं तो कहना जी कोई इंसान का बच्चा आ जाए तो फिर तुम्हें वोट दे रहे सा, पाँच पाँच घंटे के लिए बिजली बंद करके गया ये कोकड़ा, क्या नाम इसका वो वजीर जो निगरान आया, हालांकि उसका काम तो नहीं है जुल्म करना वाम के ऊपर, उसका काम है सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही होता है ना निगरान, तो उसने ये काम नहीं किया। वो कभी किसी मुल्क जाता है, कभी किसी अंग्रेज़ के पास जाता है, कभी किसी अंग्रेज़ के पास जाता है, लेकिन हमारे मुल्क के बारे में ये कोई भी लीडर जो है ना सिंसियर नहीं है। जिस तरह ये कढ़ाई इस वक्त उबल रही है ना, उसी तरह यहाँ की जो सियासत है वो भी उबल रही है, और कांटे का मुकाबला है इस हलके के अंदर। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये कांटे का मुकाबला है, और फिर आपको मिलवाते हैं उन्हीं उम्मीदवारों से। आओ दिल से संभालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, नाज़रीन NA56 जो है एक बहुत ही दिलचस्प हलका है, यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी साहब और शेख रशीद साहब जो हैं वो मद्दे मुकाबले हैं, और इस बार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी अपना कैंडिडेट जो है वो यहाँ से खड़ा किया है। पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं तो इस हलके के अंदर जो है PTI ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। क्यों हनीफ अब्बासी साहब? ठीक कह रही हूँ ना मैं कि पहली दफ़ा PTI ने भी ये रेस एंटर की? दफ़ा जो आपने जिस शख्स का नाम लिया है जो मुझसे दो दफ़ा अल्लाह के फजल व करम से हारा है, ये बगैर सहारों के पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा है, और सारे लोग ही पीपल्स पार्टी भी है, सारी पार्टियाँ इसके मैदान में, कोई पार्टी में नाम नहीं लेता, जितनी पार्टियाँ रजिस्टर्ड है ना
उसमें से कम अज़ कम 50% तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, तो बस इलेक्शन लड़ेंगे अल्लाह के फजल व करम से। मगर हनीफ अब्बासी साहब जो भी है, शेख रशीद साहब यहाँ से जीते तो हैं और पिछले दो दफ़ा से जीत रहे हैं, तो एक उनकी मशीनरी है, वो कहते हैं कि जी मैं शहजादा हूँ रावलपिंडी का, तो PMLN जो है माजी में इस इलाके से जीत नहीं सकी, इस बार कैसे मुख्तलिफ होगा? देखिए पहली बात तो लास्ट इलेक्शन तो आपके सामने है, चार दिन पहले मुझे उन्होंने कैद कर दिया, तो वहाँ फिर PMLN कैसे इलेक्शन लड़ती है? यानी शहर से अगर एक उनका जो एक नुमाइंदा है, एक मेंबर नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं जिसने दो इलेक्शन जीते हुए हैं, उसको आपने पकड़ के तो बंद कर दिया, उम्र कैद दे दी है, डीमोरलाइज हो गए सारे कारकुनान, घरों में चले गए, कई लोगों को तो पता चला कि शायद इलेक्शन ही नहीं हो रहा, तो वो तो उन्होंने पकड़ के बंद करके वो इलेक्शन जीता ना, और वो भी इस तरह नहीं जीता कि आसानी के साथ। देखिए जो शेख राशिद हैं उनके भतीजे, वो ये कहते हैं कि जी इस बार जो उनके साथ हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है, शेख रशीद साहब को इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो कैंपेन करें, उनको जेल में रखा जा रहा है, और जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, उनका जी बेल उनकी होनी है जनवरी के आखिर में, मगर बेल नहीं होगी, और इलेक्शंस जब ख़त्म हो जाएंगे इलेक्शन कैंपेन, तब उनको छोड़ा जाएगा। पहली बात मेरा और उसका कोई कंपेरिजन हो नहीं सकता, मेरे पे तो उम्र कैद 12 साल मैंने मुकदमा इसी शख्स की वजह से भुगता है, मेरा उसका कोई कंपैरिजन नहीं। दूसरा ये है कि उसने तो मुझे डलवाया था, मैंने उसको नहीं जेल में डलवाया, ना मैंने उसके खिलाफ़ कोई FIR करवाई है, मैंने पहले दिन से कहा है कि वो मैदान में रहेगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आप बार बार सुन रही होंगी। अगर आप क्यों समझते हैं कि शेख रशीद ने ही आपको जेल में डाला? देखें अदालतों के ऊपर क्या शेख रशीद का असर रसूख था, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्या शेख रशीद का असर रसूख? देखें जो बंदा मौजिब बनता है ना जिम्मेदार वो होता है, जो बंदा मौजिब बनता है आगे वो अपने लोगों को शामिल कर ले, जिसको मर्जी शामिल कर ले, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। एक मुदई नहीं होगा तो कोई क्या करेगा, मुझे ये बताए, तो इसलिए कोई बात नहीं, वो इलेक्शन लड़ रहा है ना, उसको कोई फांसी नहीं हुई, कोई काल कोठरी में बंद नहीं, कोई चिल्ला नहीं लगा, लड़ रहा है जेल से तो इलेक्शन नहीं लड़ा जाता ना। वो तो कह रहे हैं जेल से, उसका जो वीडियो मैसेज है वो कहता है मैं जीत जाऊँ, देखिए मैं, मगर आपके असल हरीफ PTI नहीं है? मेरी मेरे सारे हरीफ हैं जी, मैं किसी को कमजोर नहीं समझ रहा। अच्छा हनीफ अब्बासी साहब, 49% जो आबादी है वोटर्स की इधर, वो औरतों पे ऊपर मबनी है, मगर जहाँ भी मैं जा रही हूँ औरतें नजर ही नहीं आ रही हैं, ना आपके जलसों में ना कहीं और, तो कैसे आप इतनी बड़ी तादाद को इग्नोर करते हैं? अभी अगर आप जाए ना, इस हमारा लेडीज विंग है, इस वक्त तायरा औरंगजेब साहब आई हुई हैं, मेरे घर से मिसिज आई हुई हैं, राजा हनीफ एडवोकेट जो हमारे MPA के उम्मीदवार आपके साथ खड़े हैं, इनकी मिसिज आई हुई हैं, ये डोर टू डोर कम्पेन कर रही हैं, लेडीज़ मीटिंग्स कर रही हैं, उन्हीं को उसी तरह एड्रेस कर रही हैं जैसे हम मेल को एड्रेस कर रहे हैं। खवातीन के लिए क्या आप वादा करते हैं? देखिए नहीं, पहले तो वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है उन्हीं के लिए 1000 बेड का है, 1000 बेड का है, 1000 बेड का है, तो उसको हम मुकम्मल करेंगे, और इसके अलावा मैंने बताया कि खेल के मैदान, एक्सक्लूसिव खेल के मैदान उनको हमने दिए हैं, और खवातीन को जी उनके IT मेरे अभी जहन में कल से आ रहा है, और मैं शहबाज साहब से आज सुबह भी बात कर रहा था टेलीफोनिकली, IT के हवाले से हम IT टावर जैसे लाहौर में बने, ये एक नया आइडिया मेरे जहन में अल्लाह ने डाला है, इनका काफ़ी स्कोप होता है। जी इंशाल्लाह, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। आओ दिल से संभालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ जिंदाबाद, मोहम्मद अली नवाज जिंदाबाद, राजा हनीफ नाजरीन। इधर हनीफ अब्बासी साहब के हलके के अंदर NA 56 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक लेडीज़ विंग है, जिसको तायरा औरंगजेब साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आप समझ लें, मैं इनको लीडर इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये एक ऐसी कारकुन है कि बाकी जो खवातीन हैं वो देख के इनसे हिम्मत पकड़ती हैं, और जहाँ भी जलसा जुलूस होता है तो ये सबसे आगे आगे होती हैं, और आज से नहीं कई अरसे से मैं आपको देख रही हूँ। खवातीन की पार्टिसिपेशन पहले इलेक्शंस में शायद ज़्यादा रही है, जी जी इस बार बिल्कुल कम है, इसकी क्या वजह? नहीं कम नहीं है असल में, अभी तक क्योंकि नॉमिनेशन उम्मीदवारान की देर से हुई, तो उस वजह से फिर मंशूर के लिए 4-5 दिन रुके रहे, फिर वो मंशूर जब आया तो उसके बाद हम ब्रोशर बना सके, तो वो काम ज़रा थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमारे क्या हर पार्टी ने बड़ा लेट कैंडिडेट्स का ऐलान किया। मगर इस इलेक्शन का जी मज़ा भी कुछ इस तरह नहीं आ रहा, क्योंकि आपके जो हरीफ हैं सारे तो जेल के अंदर हैं या छुप छुप के कैंपेन कर रहे हैं,
तो आपको नहीं लगता कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती तो फिर मज़ा आता? कि पहली बात तो आपने जो हमारे हरीफों के बारे में जिक्र किया, तो पहली बात तो ये है कि उनकी एक तो पीटीआई की गलती ये हुई कि उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। उनको सुप्रीम कोर्ट ने 3 नोटिसेस भेजे कि आप अपना इलेक्शन करा के हमें भिजवाएं उद्देदारान का कागज़। उन्होंने इसको बिल्कुल मजाक लिया। अदलिया और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, तो उन्होंने जब इलेक्शन नहीं कराए तो बल्ले का निशान उनसे छिन गया। अब इसके लिए तो वो खुद ज़िम्मेदार हैं, और हम किसी भी अपने सियासी हरीफ को नहीं चाहते कि वो जेल में बैठे या छुप छुप के कंपेन करे। हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जो काम किए वो पूरे पाकिस्तान को पता है। नवाज शरीफ ने मोटरवेज के जाल बिछाए, मेट्रो बस चलाई, दानिश स्कूल शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, जो भी कुछ यहाँ पिंडी में कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बनाया, यूरोलॉजी का बनाया, इतने बेशुमार काम किए। यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हनीफ अब्बासी साहब ने बनवाया, फिर पार्क्स बनवाए। लेकिन मसला ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड देना तो हमारे बस में नहीं है। वो अगर अपना तरीकाकार, अपना किरदार सही कर लेते तो आज वो भी मैदान अमल में होते। अब हम आपको ले कर चलेंगे और दिखाएंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क्या तैयारी है। आओ बिल से संभालो।